वेलकम टू एसपी कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 3। स्टार्ट करते हैं। बजटरी कंट्रोल लेक्चर 3। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने कैश प्रोडक्शन बजट के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे बजटरी कंट्रोल के बारे में, कि कैश बजट के बारे में, सॉरी। सो बजटरी कंट्रोल में आज हम स्टार्ट करेंगे कैश बजट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपके बुक का। ओके, जब कंपनी मेकिंग फॉर अ स्टॉक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इज असिस्टेड बाय इट्स बैंकर विद ओवरड्राफ्ट अकोमोडेशन द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट बजट फिगर। और ये हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, सेल्स है, परचेस है। देखिए ये रहा सेल्स, परचेस एंड वेजेस, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, बजटेड कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2014। अब ये देखिए तो जनवरी 2014 है, इसका मतलब हमारा सम जो होगा स्टार्ट वो जनवरी से होगा, क्योंकि जनवरी का ओपनिंग दिया है। तो जिस मंथ का ओपनिंग होगा उस मंथ से ही हम सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो रूल नंबर 1 ये है, और उसके अलावा पहले हमें समझना क्या है कि इसका फॉर्मेट क्या है, कैश बजट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेट है कैश बजट के लिए। तो कैश बजट हमने जितने भी पैसे आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है जो भी यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, ठीक है। पर्टिकुलर तो हमारे पास पहले से कितने रुपए थे, यानी कि ओपनिंग, ओके, जो भी हमारे पास ओपनिंग होगा उसमें हम ऐड करेंगे अपनी इनकम, यानी कि इस महीने मैंने कितने रुपए कमाए, ठीक है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे, मतलब ये दोनों का टोटल जो होगा वो ए कहलाएगा, ओके। उसके बाद हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो लेस एक्सपेंसेस, इसका जो भी टोटल आएगा उसको हम कहेंगे ये हमारा बी है, ओके। सो ए माइनस बी करने पे जो भी बचेगा उसको हम कहते हैं ये हमारा क्लोजिंग है, ओके। और यही क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ में फिर से क्या बन जाएगा, ओपनिंग। यही क्लोजिंग फिर से क्या बन जाएगा, जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का ओपनिंग, फिर ये यहां पर आ जाएगा। फिर वापस से पैसे आए, हमने सब चीजें कैलकुलेट की तो हमें ए मिल गया, फिर बी कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, जो भी आ जाएगा वो क्लोज फिर से क्या बन जाएगा, ओपनिंग, ठीक है। ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं कैश बजट के लिए, ओके। सिंपल सा फॉर्मेट है, कितने पैसे आए और कितने पैसे चले गए, ओके। स्टार्ट करते हैं, पहले ये सम को समझते हैं कि सम कहना क्या चाहता है। जब कंपनी मेकिंग फॉर अ स्टॉक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर असिस्टेड बाय इट्स बैंकर विद द ओवरड्राफ्ट अकोमोडेशन द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट बजट फिगर। और ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रिपेयर करना है कि बजट कब से, जिस मंथ में आपको ओपनिंग दिया होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ओपनिंग दिया हमको जनवरी में, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन फिगर होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जनवरी से दिए हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो 1 जनवरी 2014 और अमाउंट है 17,200 रुपये, यानी जनवरी से हम सब स्टार्ट करेंगे। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट टर्म ऑफ अ सेल्स। सो क्रेडिट टर्म क्या है, किसके लिए, सेल्स के लिए। ऑन अ पेमेंट बाय एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, यानी जिस महीने में पैसा आया है, सॉरी आपने मंगाया है, उसके
उस मंथ के एंड के बाद जो भी फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब यहाँ पे नेक्स्ट होगा, ठीक है ना, फॉलोइंग मंथ में आपको पैसा मिल जाएगा ऑन एन एवरेज हाफ, वन हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड इन द ड्यू डेट व्हाइल द अदर हाफ आर पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, आधा पैसा उसके नेक्स्ट मंथ में और आधा पैसा उसके नेक्स्ट मंथ में। क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। ओके, अब इसका मतलब है क्या? तो वो कहना ये चाहता है कि अगर आपका सेल्स जो है, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं सेल्स की, ठीक है, नवंबर में सेल्स है 1,20,000, तो ये 1,20,000 का जो पैसा है आधा वो मिलेगा दिसंबर में, और आधा कब मिलेगा? जनवरी में। दिसंबर का आधा पैसा कब मिलेगा? जनवरी में। और आधा पैसा मिलेगा फरवरी में, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा लिखा है क्रेडिटर्स के बारे में, क्रेडिटर्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। अच्छा, क्रेडिटर्स मतलब यहाँ पे परचेस की बात कर रहे हैं, तो जिस महीने में सप्लाई हुआ है उसके नेक्स्ट महीने पेमेंट करना है, यानी नवंबर का पैसा दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फैब में, ठीक है। बाकी लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, फॉर द क्वार्टर ऑफ जनवरी 31 to 31 मार्च 2014। ओके, अगर सब में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता कि कब से प्रिपेयर करना है, तभी भी हम जनवरी से करते क्योंकि जनवरी का ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा सम है, डिफिकल्ट नहीं है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक। फॉर्मेट बनाने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने महीने का फॉर्मेट बनेगा ये? जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, तो ये हो गया आपका जनवरी का, ये हो गया आपका फरवरी का, और ये हो गया आपका मार्च। दिस इज योर पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका कैश बजट। सबसे पहले आ जाएगा आपका ओपनिंग। देखिए जरा, ओपनिंग जनवरी का ओपनिंग आपको दिया है 17,200 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,200 रुपीज। ओके, इसके बाद हम ऐड करेंगे किसको? इनकम को। तो ऐड करना है इनकम को और लेस करना है किसको? एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पर इनकम का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्स। ये देखिए जो सेल्स है ये हमारी इनकम है, देखिए पैसा आ रहा है, ठीक है ना, तो हम इसके लिए एक वर्किंग प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे वर्किंग बना लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, हम वर्किंग करने जा रहे हैं सेल्स के लिए। सिंपल सी वर्किंग है, सबसे पहले हम सेल्स का अमाउंट लिख लेते हैं, ये हम प्रिपेयर कर लेंगे पहले मंथ। ये हो गया हमारा मंथ, मंथ स्टार्ट है कहाँ से? नवंबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कुल मिलाकर हमें सेल्स कितना दिया? नवंबर का सेल्स है 1,20,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000, ये आ जाएगा 1,28,000, ये आ जाएगा आपका 72,000, जैसा कि आप देख रहे हैं। देन आ जाएगा आपका फरवरी का 1,16,000, और उसके अलावा मार्च का है 84,000। अब ये हो गया आपका सेल्स। अब सेल्स में इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें पैसा कब मिलने वाला है, टर्म क्या है इसका? क्रेडिट टर्म आज सेल्स आर पेड पेमेंट देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेल्स ऑन पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई ऑन एन एवरेज सेल हाफ ऑन अ सेल्स आर पेड फॉर द ड्यू डेट वाइल द अदर हाफ पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। तो आधा पैसा, यानी कि आधा पैसा हमें नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, और आधा पैसा कब मिलेगा? उसके नेक्स्ट मंथ में, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। सो
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इसका आधा पैसा यानी कि 60,000 कब मिलेगा? नवंबर का आधा पैसा दिसंबर मिलेगा, यानी 60,000 रुपये यहाँ मिलेंगे और 60,000 रुपये यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। अब बाकी तो दिसंबर का, तो दिसंबर का आधा पैसा जनवरी में, तो 1,28,000 का हाफ ले लेंगे, इट मीन 64,000। तो 64,000 आपको यहाँ मिलेगा हाफ, और 64,000 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद सेल्स है जनवरी का, तो जनवरी का आधा पैसा फेब्रुवरी मिलेगा आपको, तो 72,000 का हाफ इज नियर टू 36,000। 36,000 यहाँ मिलेगा और 36,000 आपको यहाँ मिल जाएगा। देन आगे फेब्रुवरी, फेब्रुवरी का आधा पैसा मिलेगा आपको मार्च में, तो 1,16,000 का हाफ इज 58,000, और आधा मिलेगा अप्रैल में, तो अप्रैल से हमें लेना देना नहीं है। देन मार्च का आधा पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में, तो अप्रैल से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें 3 महीने का ही प्रिपेयर करना है, तो हम जो आंसर भी लेंगे वो 3 महीने का ही लेंगे। सो 64,000 प्लस 60,000 इज 1,24,000, तो ये आ गया 1,24,000, ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, और ये आ जाएगा आपका 36,000 प्लस 58,000 इज 94,000, ठीक है ना। 94,000 आ गया आपका। तो कुल मिलाकर हमने जो पैसे कमाए, अब यहाँ पे देखिएगा आप इनकम साइड में, हमने एक्चुअल में कितने पैसे कमाए हैं सेल से, तो ये हम लिख देंगे कलेक्शन फॉर्म देकर। जनवरी में हमने कमाए 1,24,000, फरवरी में हमने कमाए 1 लाख रुपीज, और मार्च में हमने कमाया 94,000, ठीक है ना। अब ये तो हो गई इनकम की बात, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, आप देख लीजिए। सो ये हो गई आपकी इनकम की बात। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ये हो गई आपकी इनकम, इनकम को तो हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब बच के बात करते हैं परचेस की, तो परचेस हमारे लिए खर्चा है और विदेश हमारे लिए खर्चा है, तो हम खर्चे की बात करते हैं। तो ये इनकम तो हो गया, हम यहाँ पर ए दिखा देंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका ए, इन सबका टोटल लेस कर देंगे यहाँ से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हमारे पास है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कि हमने उधार पे लिया है परचेज के लिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, उसके अलावा है हमारे पास वेजेस, ठीक है ना। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में सीधा बोल दिया है, क्रेडिटर्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, जिस महीने में सप्लाई हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है, सिंपल सा है। तो नवंबर का पैसा दिसंबर में, तो उसके लिए वर्किंग मंथ की तो जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये जो पैसा है नवंबर का ये कब पे करेंगे? दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, और मार्च का अप्रैल में। हमें प्रिपेयर करना है जनवरी से, देखिए तो जनवरी में अमाउंट है 96,000, इसमें इट मीन्स हम 96,000 पेड कर देंगे, और फरवरी में हम पे करेंगे 1,62,000, और मार्च में हम पे करेंगे 1,64,000। ओके, अब बात करते हैं विजेस। विजेस के बारे में सब में कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हमने इसको कब पेड किया। जब सब में कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम ये मान लेंगे कि वो उसी मंथ में पेड हुआ है जिस मंथ में इन्फॉर्मेशन दिया है, इट मीन्स नवंबर का नवंबर में, दिसंबर का दिसंबर में। तो जनवरी का अमाउंट जनवरी में, मीन्स ये आ जाएगा जनवरी, फरवरी, और ये आ जाएगा मार्च। तो जनवरी में 8,000, फरवरी में 4,000, और मार्च में 10,400। तो ये सबको प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा बी का आंसर। चलो तो प्लस करते हैं, पहले 17,200 प्लस 1,24,000,
ये आ जाएगा 1,14,000। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ अभी तक हमने देख लिया था यहाँ तक का आंसर, ठीक है, तो हमने इसका सबका टोटल किया था और ए का टोटल एंड बी का टोटल, ए माइनस बी आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग, और यही क्लोजिंग फिर ओपनिंग बन जाएगा। तो ए का टोटल 1,41,200, बी का टोटल है 1,04,000 एंड ए माइनस बी ये कहलाएगा आपका 37,200, और यही फिर से आपका ओपनिंग बन जाएगा 37,200। 37,200 प्लस दिस अमाउंट ये आ जाएगा आपका ए, तो ये सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका बी 1,66,000, देन माइनस कर देंगे ए माइनस बी तो 28,200। ओके, देन यही क्लोजिंग फिर ओपनिंग बन जाएगा, माइनस में है तो माइनस एंड प्लस ये आ जाएगा 65,200, देन ये दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा आपका बी एंड ए माइनस बी आपका आंसर 1,09,200। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सम। होप्स आपको समझ में आया होगा, और बेसिकली क्या है कि इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, बट अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।